dear students i welcome you in the course of leadership emotional intelligence and decision making this is module number 194 and we are going to talk about how to respond to criticism criticism is a very important thing because criticism is a way jo hamari correction wo kar sakta hamara criticism controlled when we talk about criticism remember there are different things that we need to understand for example there is a very famous quote that the criticism is something which is there to tackle you in a rightful manner. And the exact quote is that criticism is there, and you want to avoid if you want to avoid the criticism, you have to do you have to do nothing, you have to say nothing, and you have to be like nothing. So, ye cheez liye bahut hai, ke criticism ko hum just for the sake of criticism, but criticism ko hum for sake of correction. Wo pick kare.

तो उस सूरत में हमें बड़ा कंट्रोल बिहेव वो करना पड़ेगा द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट क्रिटिसिज्म कैन ओवर पार यू बट इट कैन बी कंट्रोल्ड अब उसके कंट्रोल करने के कुछ हमारे पास तरीके हैं द फर्स्ट वन इज दैट क्रिटिसिज्म कैन ओवर पार यू बट इट कैन बी कंट्रोल्ड और ये बात हमें अपने जहन के अंदर बिठानी पड़ेगी द सेकेंड थिंग इज रिकनाइज द फीलिंग्स लेबल एज फीलिंग्स एंड पुट असाइड ऑन द नॉइज क्राउड आउट आवर हेयरिंग

आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि क्रिटिसिज्म के अंदर क्या मेन चीज हाईलाइट हुई और उसमें मकसद बेसिकली क्या था और नो no डाउट मकसद अगर क्रेक्शन है मकसद अगर पॉजिटिविटी है मकसद अगर चीज को बेहतर बनाना है तो हमें उसके पॉजिटिव सिनेरियो को ही वो सोचना और देखना चाहिए इसके बाद अवॉइड कंफ्यूजिंग द पैकेज विद द मैसेज इसका मतलब क्या होगा कि हम हॉलिस्टिकली चीजों को देखें

फिर आप देखिएगा रद्द अमल है वो क्या होना चाहिए इस बारे में यह भी कहा जाता है कि सरप्राइज क्रिटिसिजम इज यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट हाउसिकॉज अक्सर हम ये समझते हैं कि हमारा जो इंप्रेशन है अगले शख्स के ऊपर वो मुस्बत है लेकिन हो सकता है कि उस मुस्बत के एस्पेक्ट के अंदर भी कुछ ऐसे छुपे राज हो जो क्रिटिसिज्म के जरिए ही हमारे ऊपर वो हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स क्रिटिसिज्म के बारे में एक बार याद रखिएगा कि क्रिटिसिज्म रिसीव करने में और क्रिटिसिज्म डिलीवर करने में हमारा मकसद क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म वो ना हो हमें करेक्शन की तरफ जाना है हमें बेहतरी की तरफ जाना है हमें क्रिएटिविटी इनोवेशन की तरफ जाना है ताकि हम चीजों को मुस्बत अंदाज में सोच और परख सकें अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि क्रिटिसिज्म इज वेरी थिंग, ये उन चीजों को हाईलाइट करता है जिन चीजों के बारे में बाजाकात हम खुद से शिनासा वो नहीं होते सो ट्राई टू ऑलवेज पिक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली और उसके मुताबिक अपने अंदर करेक्टिव एक्शन वो लेकर आए थैंक यू